सूरह इब्राहीम गुज़िश्ता दर्स में इसका आगाज़ किया था और हमने इसकी 5 आयात पढ़ी थी। आज आयत नंबर 6 से सूरह इब्राहीम आयत नंबर 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. सूरह इब्राहीम की इन 5 आयात में जो बात इरशाद फरमाई गई है, चलिए मैं लिख देता हूँ। 6 से शुरू किया ना, 6 में फरमाया कि फिरौन को या बेटों को ज़िबाह कर देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। ये इस आयत में कहा है और लड़कियों को जिंदा रहने देता, ये उसने हुक्म जारी किया हुआ था। अच्छा, अगली आयत में कहा अगर सारे भी काफिर हो जाएं तो अल्लाह की बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम सारे भी काफिर हो जाओ, दुनिया में जितने भी हैं लोग सारे भी काफिर हो जाओ तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं, कोई उसकी बादशाहत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह को ये 8 नंबर है, सही कह रहे हैं, ये 8 नंबर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 8 नंबर है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 7 मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो शुक्र के बारे में है। बड़ा सही ट्रैक रखा आपने, शुक्र करो तो अल्लाह और ज़्यादा देगा, बिल्कुल शुक्र करो तो और ज़्यादा दूंगा, ये अल्लाह ने कहा है। लाइन शक्र तुम लअज़ीदन्नकुम, बिल्कुल सही, ये रह गई थी, शुक्र करो तो और ज़्यादा दूंगा। ये जो है ना, ये नंबर 7 है।
और ये आठ है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अल्लाह की बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। सेवन ऊपर लिखा हुआ है ये ना। वालेकुम सलाम जनाब व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये जो गुज़िश्ता कौमें उनका मुतअद्दिद बार ज़िक्र है, इन्होंने वाज़ह दलाइल के बावजूद नहीं माना। पहली कौमों ने वाज़ह दलाइल के बावजूद, बय्यिनात के बावजूद, वाज़ह दलाइल के बावजूद रसूलों से ये कह दिया कि हम नहीं मानते। रसूलों से कह दिया कि हम नहीं मानते तुम्हें, हम नहीं मानते। गोया बस ज़िद ही थी कि नहीं मानना, दलाइल अपनी जगह लेकिन हमने नहीं मानना। और आज जो ये आखिरी आयत तलावत की गई है, उसमें कहा कि अर्ज़ो समा का खालिक तुम्हें देखो सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है तुम्हारे फ़ायदे के लिए ताकि गुनाह माफ़ कर दे। हैं, ये फरमाया अर्ज़ो समा का खालिक, ज़मीन और आसमान का बनाने वाला, कहा उनके बारे में तुम्हें शक है के बारे में शक है जो बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, जो बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। तो ये एक मैंने वो आयत वाइज अजमाली सा लिख दिया है, यही आयात तलावत की हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तर्जुमा देख लें आप, है ना जी। अल्लाह अकबर। जो पहली छः आयत है नंबर सिक्स, उसमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। आयत नंबर छः में वो कहा कि युज़ब्बिहू नाबनाकुम यस्ताहयून निसाकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरु निमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔना यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी वयुज़ब्बिहूना अबनाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम। व इज़, और जब, काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने किन से कहा, लिक़ौमिही अपनी कौम से, क्या कहा कि उज़्कुरु निमतल्लाहि अलैकुम, उज़्कुरु ज़िक्र करो, याद करो निमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम जो तुम पर हैं। सबसे बड़ी नेमत, वैसे तो बेशुमार नेमतें बनी इसराइल पर, लेकिन सबसे बड़ी नेमत के जब वो बेटों को ज़िबा कर रहा था, लड़कियों को रहने देता था, उन हालात से तुम्हें निजात दिला दी। इस जब अनजाकुम, अनजा निजात दी, कुम तुम्हें किससे निजात दी, मिन आले फिरौना, आले फिरौन से। क्या करते थे वो, यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी, यसूमूनकुम वो पहुंचाते थे तुमको सूअल अज़ाब, इंतहाई बुरा अज़ाब। वो इंतहाई बुरा अज़ाब क्या था, वो ये था कि वो यज़ब्बिहू नाबनाकुम यस्ताहयू निसाकुम, बहुत सख्त अज़ाब है। वह युज़ब्बिहू ना, वो ज़िबा करते थे, अबनाकुम तुम्हारे बेटों को,
अबना इबन की जमा है, वयस्ताहयूना हयात से है, ज़िंदा रहने देता था, ज़िंदा छोड़ देता था, निसाकुम तुम्हारी निसा को। इसका पस मंज़र क्यों ऐसा किया उसने कि बेटों को ज़िबा कर दो, लड़कियों को रहने दो। तोहमात का दौर था ना, और वो बड़े बड़े नजूमी बाकायदा हायर करते थे, दरबारियों में होते थे। तो कहा जाता है वो नजूमी ने बता दिया ये बादशाह को कि एक लड़का पैदा होगा, वो तुम्हारा तख्ता उलट देगा, बादशाहत ख़त्म। तो वो तो बादशाहत बड़ी अजीज़ होती है, उसने कहा अच्छा, यानी वो इतना यकीन होता था नजूमी की बात पर। उन्होंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं लड़का रहने ही नहीं दूंगा, तो तख्ता कौन उल्टेगा, लड़कियों ने थोड़ी उलटना है। कहा लड़कियों को रहने दो, उनसे खिदमत लिया करेंगे, काम वाम, लड़कों को मार दो। हज़रत मूसा भी उसी दौर में तशरीफ़ लाए थे, तभी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कहा कि इनको संदूक में बंद करके यम पानी में डाल दो, बाकी हमारा काम है कि हम मूसा के अहकाम से कैसे बचाते हैं। उसने ऑर्डर दिया होता ना मार दो। अच्छा ये अजाब था वैसे हैं बड़ा सख्त। युज़बिहूना ज़िबा करते थे अबनाकुम तुम्हारे बेटे, व यस्ताहयूना हया से ज़िंदा छोड़ देते थे निसाकुम तुम्हारी औरतों को। और ये बहुत बड़ी आजमाइश है, बलाउन अज़ीम कहा है इसे, बला आजमाइश को कहते हैं ना, मुबतला। वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें, यानी उसकी इस हरकत में, उसके इस हुक्म में बलाउन आजमाइश है, बलाउन के साथ अजीम है। आखिर में जो लफ्ज़ है ना बलाउन अजीम, किसकी तरफ से, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, बहुत बड़ी है आजमाइश। तो आयत में ये कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये कह रही हैं, यानी बनी इसराइल से, कि देखो अल्लाह ताला ने तुम पर बड़े एहसानात किए हैं, नेमतों से नवाजा है, उनको तुम याद करो, उन नेमतों को कभी ना भूलो, कदरदानी करो। अनअमतु अलैकुम फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, हैं बड़ी नेमतें की हैं। और कहा देखो सबसे बड़ी नेमत ये है कि तुम्हें फिरौन की कौम से अंजाकुम निजात दे दी, राह दिला दी, वो तुम्हें बड़े सख्त तरीन अजाब पहुँचाता था, जैसे वो तुम्हारे बेटों को ज़िबाह कर देता और तुम्हारी औरतों लड़कियों को ज़िंदा रहने देता था। तो कहा इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है, बलाउन अज़ीम। तो यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहीम का पहला रुकू जो है वो मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 7 से ये दूसरे रुकू का आगाज़ है। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ। وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ ऐलान किया, تَأَذَّنَ ताज़ना कि मैंने है कि आलमकुम बिवादे ही लकुम, उसने वादे के साथ तुम्हें आगाह और ख़बरदार कर दिया है। वैसे ये कसम के मायनों में भी हो सकता है, कसम ये कि जब तुम्हारे रब ने अपनी इज़्ज़त और जलाल और किबरियाई की कसम खाकर कहा कि नेमत पर शुक्र करने पर मैं मज़ीद इनामात से नवाजूंगा। देखो ये कितनी हौसला अफज़ाई की गई है अल्लाह का शुक्र अदा करने पर।
लेकिन अगर शकर तुम, शुक्र किया तुमने, लजीदन्नकुम, है ना, लजीदन्नकुम लफ्ज़ मिले हुए ना, ला अजी, चलो ज़्यादा ही लिख देता हूँ, ला अजीदन्नकुम, ला अजीदन्नकुम, इसको अलग करें आप, लाम और ये आ गया, लाजमन, तो मैं और ज़्यादा दूंगा, मैं के मायने में हो गया, आप दू लाजमन, ज़रूर बज़रूर मैं ज़्यादा दूंगा कुम तुम्हें, और ज़्यादा नेमतें, और ज़्यादा नेमतें दूंगा, लअज़ीदन न कुम, ज़रूर लाजमन मैं मज़ीद नेमतों से तुम्हें नवाजूंगा। अच्छा, अगर इसके मुकाबले में तुम कुफ़्रान नेमत करते हो, नाशुक्री, वला इन कफर तुम, यहाँ पर कफर नाशुक्री के मायनों में है, कुफ़्रान नेमत नहीं कहते, वला इन, और अगर कफर तुम नाशुक्री करोगे, तुमने अगर नाशुक्री की तो ये समझ लो, इन्ना अजाबी लशदीद, इन्ना बेशक अजाबी, मेरा अजाब, लशदीद, शदीद के साथ लाम आ गया, बहुत सख्त है। तो आयत मुबारक में ये फरमाया कि जब तुम्हारे रब ने ये वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। देखिए, इसके साथ ये भी गौरतलब है, कहा वलइन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, इसका मतलब ये हुआ कि कुफरान नेमत जो है ना, नाशुक्री, अल्लाह को सख्त नापसंद है, जिस पर उसने सख्त अजाब की वईद सुना दी है, अजाबी लशदीद, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। जी जी, ज़रूर ज़रूर जी जी, बिल्कुल, अब ज़्यादा दूंगा, अगर कुफर करोगे हाँ, उसे थोड़ा नहीं करूंगा, अजाब दूंगा, हाँ अजाब दूंगा, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाँ उनको भी दे रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, हाँ इज्जत की बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में ये नहीं कहा कि मैं वो रिस्क बंद कर दूंगा या वो है, का अजाब का कहा, बिल्कुल। एक हदीस में था मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम बड़ी किताब है, मुस्लिम की 885, उसमें कि फरमाया औरतों की अक्सरियत अपने खाविंदों की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएगी। ये है, यानी गिला शिकवा रहता है हस्बैंड्स ने, आखिर में उनका पूरा ख्याल रखो तो वो कहते हैं तू देते ही ये या ये कहते हैं आज तक तेरे दम से कोई सुकून नहीं पाया। अल्लाह अकबर, ये जनरली स्पीकिंग नहीं, रियली ये कहना, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि सब की एक किराए पर पानी फेर देते हैं ना, सब पर ना, कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए जो डिसलाइकिंग है, सब की एक किराए पर पानी कि आज तक कह देती है पूरी, अगर 40 साल भी साथ रहे हो ना, वो कहते हैं आज तक कुछ हुए नहीं है ना। अल्लाह अकबर, बहरहाल ये एक नज़र से गुजरी थी, मैंने आपको बता दिए, अल्लाह ताला तो खैर औरतें हों या मर्द हो यार, सब कोई जन्नत दे, हम नहीं चाहते कि कोई जन्नत, हाँ नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई शुक्र करना चाहिए इंसान की, ना शुक्री पे
ये वईद है हाँ अल्लाह की नाशुक्री पे क्या है पूरा कितनी शदीद अज़ाब होगा। हाँ जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह कब नहीं कर सकता। एक दूसरे का शुक्र अदा करना चाहिए जो भी है ना, शुक्र भी हर हालत में होना चाहिए, हर हालत में। एग्जैक्टली 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 हाँ 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 रिस्क बड़े ब्रॉडर टर्म में है, हर नेमत जो है वो रिस्क के मायनों में है। और जहाँ तक गुर्बत और तकलीफ़ की बात है, आपको उससे भी कमतर मिल जाएंगे ये सोच कर शुक्र अदा करना चाहिए कि इससे भी कम होंगे। दुनिया में सारी मसाले हैं ना, गरीब है तो उससे भी, अल्लाह अकबर। तो ये उससे इंसान के उससे तो है अल्लाह बेहतर है, अगर इनके सख्त वक्त है तब भी, मुश्किल है ये गुर्बत है तब भी। वाकई देखो ना, हाँ अगर अल्लाह ने मुझे ये मुसीबत दी है, हाँ वाई मी, हाँ ये बड़ा था वाकई ना, अल्लाह ने मुझे हीरो भी तो नहीं बनाया था ना। नहीं वाकई ये देखो, ये कितनी आम चीज़ है, वो तकलीफ हो तो कहते हैं कि जी मैं ही क्यों कायनात में, यार ये क्या वैसे, ये इस हद तक कह देते हैं कि मुझे ही क्यों इस तकलीफ के लिए चुना। बूढ़ा था, एक्सट्रीम बूढ़ा था, 90 ईयर का, मैंने कहा ऑपरेट करवा लो आपके, तुम्हारी ठीक है, अंधा था। हाँ कहते मैंने 85 सारे नाकों से काम लिया है, अब अगर नहीं कर रही तो मैं इनको तकलीफ नहीं दूंगा ऑपरेट करवा। ये भी एक सोच है वाकई, हाँ हाँ मैं इनसे बड़ा खुश हूँ। नहीं वाकई हाँ, अल्लाह ये बाकी सोच की बात है, अल्लाह अकबर। चलिए हाँ, अब है ये अगली आयत के अंतुम और वमन फिल अर्ज थी, तुम भी और दुनिया वो ज़मीन पर जो भी हैं सारे अगर तक फरू तब भी अल्लाह लगनी हमीद है, वो बेनियाज है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे इनकार से, कुफरान नेमत से और कुफर करने से। वक़ाल मूसा इन तकफरु अंतुम वमन फिल अर्ज जमीयन व इन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद। वक़ाल और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तकफरु अगर तुम कुफर करोगे, अंतुम वमन फिल अर्ज तुम भी, यानी तुम भी कुफर करोगे, वमन फिल अर्ज और अर्ज में जो भी है सारे के सारे, जमीयन सारे के सारे कुफर करें, तो फ़इन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह ताला लगनीयुन, देखिए यहाँ भी लाम आ गया गनीयुन के साथ, बेनियाज है और हमीद है। तो आयत में ये कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम से कह रहे हैं, ऊपर भी यही था, वही इसकाल मूसा लिकौम ही, उसी का तसलसल है, कहा अगर तुम कुफर करोगे तुम और ज़मीन के सारे लोग भी काफर हो जाएं, तब भी अल्लाह की ज़ात गनी और हमीद ही रहेगी, वो उसको कोई परवाह नहीं, वो बेनियाज है और वो तारीफ के लायक है ना जी। यानी मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की शुक्रगुजारी करेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, नाशुक्री करेगा तो अल्लाह का इसमें क्या नुकसान है यार, कोई नुकसान नहीं है, वो तो बेनियाज है, ये बात कही गई है, उसी का तसलसल है ना। पिछली आयतों का मौजू कहा कि सारा जहान सारा आलम भी नाशुक्रा बन जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा यार अल्लाह का, अल्लाह अकबर। वैसे इसी मौजू पर एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी अल्लाह ताला की बात होती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुंचाई जाती है। हाँ थोड़ी है तवील लेकिन बड़ी अहम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है, वो भी मुस्लिम में है, 2577 अगर आप पढ़ें, मैं आपको बता देता हूँ आपके
दिलचस्पी के लिए अगरचे तवील है लेकिन आसान है, लेकिन बहुत अच्छी है वो, बड़ी खूबसूरत इसी मौजू पर। अच्छा, हदीस है, या इबादी लो अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम, ए मेरे बंदों, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, व इंसकुम व जिन्नकुम, तमाम इंसान और जिन्नात, कानू अला अतका कल्बि रजुल वाहिद मिनकुम, उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाएं, अतका सुपरलेटिव बन गए मुत्तकी से, जैसे असफल अकबर सबसे ज़्यादा मुत्तकी, ऐसे परहेजगार हो जाएं, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार हो, ऐसे हो जाएं। तो कहा कि माजा जाली काफ़ी मुल्क की शैयन, उसकी बादशाहत में, उसकी हुकूमत में कोई अजाफा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं उसके ऊपर, क्योंकि सारे ही जो मुत्तकी हो गए तो बादशाहत उसकी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर ये यही अल्फाज कहे, या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, ए मेरे बंदो, तुम्हारे अव्वल और आखिर, शुरू से लेकर आखिर तक जितने बंदे हैं, व इंसकुम व जिन्नकुम, यही दोनों मखलूक जो हैं वो मुकल्लफ हैं ना, सूरह रहमान में इन दो से ही तो एड्रेस किया गया ना, या माशर अल जिन्नी वल इंसी इन इस्तता तुमन तनफुजु मिन अख्तार समावात। अच्छा, तो दोनों को इसमें भी एड्रेस किया, कहा कानू अला अफजरी अतका के मुकाबले में अफजरी आ गया, फिस्क व फजूर नहीं होता, फाजिर का अफजरी, कल्बि रजुल वाहिद मिनकुम, यानी उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाएं जो सबसे बड़ा अफजर, नाफरमान और फाजिर है, सारे ही ऐसे हो जाए, अल्लाह अकबर है। तो कहा मां नकसा जाली कफी मुल्क की शैया, हाँ कोई नकसा, कोई कमी नहीं आएगी, सारे ही नाफरमान है। तो कहा अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, फिर आगे देखें क्या खूबसूरत है, यानी बड़ी अच्छी है ये ज़बरदस्त हदीस लिखा है, या इबादी ए मेरे बंदों, लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, अगर तुम में से पहले से लेकर आखिर, अव्वल और आखिर, व इंसकुम व जिन्नकुम, इंसान भी और जिन्नात भी, कामू खड़े हो जाए, फी सईदिन वाहिदिन, एक एक खुले मैदान में, चुटकुल में सारे खड़े हो जाए एक जगह ना, और फस अलूनी, मुझसे सवाल करें, मांगे, जिसकी जो मुराद है मांगते रहो, ये बात हो रही है सारी इंसानियत की। और कहा फ़ातई तो कुल इंसान मसअलतहू, और मैं हर इंसान को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूँ, जो जो मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, गाड़ी मांग रही है, कोई सेहत मांग रहा है, सबको दे दूँ। ज़बरदस्त है। तो कहा माँ नकस जाली का मिम्मा इंदी इल्ला कमा यन कुसुल मिखयतु, ख़यात होते हैं ना ये, आप मिडल ईस्ट में जाएँ जो टेलर्स है ना, उस पर ख़यात लिखा होता है, ख़यात है ना टेलर्स का, ये अरबी में उसी से है, मिखयतु इज़ा उदखिलल बहर। तो कहा अल्लाह अकबर, कहा सबको मैं दे दूँ, जो जो मांग रहा है उसके अता कर दूँ। कहा मेरे ख़जाने और बादशाही में इतनी कमी होगी जितनी सुई के समुंदर में डबो कर, सुई को निकाल लो तो समुंदर में कितनी कमी होगी, सुई पर कितना पानी लग जाएगा। कहा समुंदर में, ज़बरदस्त है ये, अल्लाह फसुबहानहु तआला शानहु वल गनीउल हमीद, ये बड़ी ज़बरदस्त है वाकई, ये हकीकत है, इसको समझना चाहिए। अल्लाह की कुदरत को हम बड़ा एहसान करते हैं कि शुक्र कर देंगे, अल्लाह की शान में क्या फर्क पड़ना है यार, अपने लिए करना है। सर सर अल्लाह गनीउल हमीद, हाँ तब भी वो तारीफ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फ़र्क है, ये सही कह रहे हैं, हमीद हमीद आता ही इसी सेंस में। जज़ाकल्ला, हाँ मन फ़की बिल्कुल, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है। हाँ
अच्छा, अगली आयत मुबारक में कहा ये पहली कौमें जो हैं, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, इनके हालात नहीं पड़े, इनके हालात हम तक नहीं पहुँचे। अल्लाह अकबर। कहा रसूलों को भेजा इन कौमों की तरफ बिलबैनात लेकर, लेकिन फरद्दू नहीं माना, उन्होंने रद्द ही कर दिया। अल्लाह अकबर। ये गुज़िश्ता कौमों का इसमें बताया है आयत नंबर 9 में, है ना जी। अलम यातिकुम नबौल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम قوم نوح و عاد و ثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا ان كفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَلَمْ يَأْتِكُمْ, أَلَمْ کیا نہیں, يَأْتِكُمْ آئی تمہارے پاس, نَبَأُ خبریں, نَبَأ کی جمع آگئے, کن کی خبریں, الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں کی جو تم سے قبل تھے, تین قوموں کا ذکر بھی کر دیا جو تم سے قبل تھے, وہ کون سی, قوم نوح و عاد و ثمود, نوح عاد اور ثمود ہو گئے, والذین من بعدہم, باقی تین کا کہہ دیا من بعدہم. دیکھیں یہ کیا بھی خوبصورتی ہے یار, یہ بھی اب دیکھیں اکثر چھ قوموں کا ذکر پڑھتے ہیں نا, تین یہ ہو گیا, ہاں یہ نمبر 6 یہ بھی ہو گیا, شکر کا تم سارے یہ بھی ہو گیا, ہو جاؤ تو اللہ کو پرواہ نہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, چلو یہ رہنے دیتا ہوں. اچھا, اعراف, ہود, شورا, ساتویں سورت, گیارہویں, چھبیس, چھ رسولوں کا ذکر ترتیب سے یہ ان تینوں میں, یہاں پہ تین کا بتا دیا, نو آد اور سمود, باقی کا مم بعدہم, وہ ان کے بعد ہی آئے ہیں, مم بعدہم ان کے بعد, ان کے بعد کون سے تھے, وہ لوط, شعیب, موسیٰ, تین اور تین, یہ خوبصورتی ہوگی, ان کا نام لیے بغیر کہہ دیا مم بعدہم, یہ وہی ہیں, انہیں کا ذکر تھا. اچھا, اور قومیں بھی ہوئی ہیں